स्वागत है बच्चों, आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ बाज और सांप के प्रश्न उत्तर के बारे में। सबसे पहला है शीर्षक और नायक। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, बाज और सांप एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस कहानी में क्रियाशीलता और आलस्य दोनों भावनाएं बाज और सांप के माध्यम से प्रकट की गई हैं। बाज संघर्ष और सक्रियता में आनंद महसूस करता है, परंतु सांप आलसी है, इसलिए लेखक ने इन दोनों को शीर्षक के लिए चुना है। अगला है कहानी से। इसका पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इसका उत्तर है, बाज जान गया था कि इस सांप ने कभी इस गुफा से आगे का जीवन देखा ही नहीं है। वह सांप की उस अंधेरी गुफा में अपने प्राणों को त्याग कर अपना अंतिम समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। उसने सदैव बहादुरी से जीवन यापन किया था। अपने अंतिम समय में भी उस बहादुरी का परिचय देते हुए अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहता था। यही उसका लक्ष्य था, इसलिए उसने अंतिम उड़ान भरने का निर्णय लिया। तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? इसका उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जगी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। चौथा प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? इसका उत्तर है, बाज की साहस और वीरता के लिए लहरों ने उसके सम्मान में गीत गाया। उसने अपने प्राण गवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। लहरों का गीत उन दीवानों के लिए था जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसका सामना हंसकर करते हैं। पांचवा प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है, सांप बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। उसके अनुसार बाज ने अपना समस्त जीवन व्यर्थ में उड़ने में व्यतीत कर दिया था। दूसरी ओर वह उसका परम शत्रु था, क्योंकि बाज के होने के कारण सांप और बाज के बीच जाति से शत्रुता होती है। घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक ही था। अगला है कहानी से आगे। इसका पहला प्रश्न है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। इसका उत्तर है,
स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। पहली, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप आया हूँ। दूसरा है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरे है, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते। उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। पांचवा है, हमारे गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए हैं जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। दूसरा प्रश्न है, लहरों को गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इसका उत्तर है, बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी को जीने की प्रेरणा जाग उठी होगी। उसके विचार बदले होंगे और उसने सोचा होगा कि यदि एक दिन मरना ही है तो क्यों ना साहस से मरा जाए। उसकी कायरता उड़न छू हो गई होगी। सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की। सांप ने अपना शरीर हवा में उछाल तो दिया, पर ना उसके पंख थे और ना उड़ने की ज्ञान। सांप ने हिम्मत नहीं हारी। आकाश की शून्यता व विस्तार उसमें जोश भर रहे थे। सांप ने पुनः आगे बढ़ने के लिए बल लगाया, पर यह उड़ पाने के लिए काफी ना था। बल लगाकर शरीर उछालने के कारण वह इस बार चट्टान पर ना गिरा, वह सरिता की धारा में गिरा। सरिता की सफेद फेन युक्त लहरों ने उसे अपने आंचल में बंक लिया, पर सांप ने जल्दी ही अपने फन धारा से ऊपर उठाया और तैर बाहर आया। अब सांप बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे उड़ने का नया अनुभव जो मिल चुका था। तीसरा प्रश्न है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, हाँ पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं। इन पंखों की मदद से उनकी उड़ने की प्रसन्नता देखते ही बनती है। यदि हम पिंजरे में बंद किसी पक्षी को उड़ा दें तो कितना खुश होकर उड़ता है। वह पिंजरे में सारी सुविधाएं, भोजन पानी और आश्रय पाने पर भी उदास रहता है। लगता है कि उसकी खुशियां कहीं खो गई हैं। इसी पक्षी को जब मुक्त करते हैं तो उसकी खुशियां उसे वापस मिल जाती हैं। इसलिए उन्हें उड़ने में सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। इसके अलावा पक्षियों को अपने घोंसले के लिए तिनका जुटाने, बच्चों के लिए भोजन लाने आदि स्वाभाविक कार्य में भी आनंद का अनुभव होता है। चौथा प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? इसका उत्तर है, मनुष्य ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में सजो रखी थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए। इन प्रयोगों को करते समय बहुतों को जान गंवानी पड़ी, पर आज परिणाम सामने है। उसने आकाश में उड़ान भरने वाले अनेक साधन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुमान आदि का आविष्कार कर लिया है। आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट, ग्लाइडर, सुपरसोनिक विमान आदि के माध्यम से पूरी करता है। अगला है भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, पहला मुहावरा हिम्मत बांधना।
कम नंबर आने पर पिताजी ने दोबारा मेहनत करने के लिए मेरी हिम्मत बांधी। दूसरा है मन में आशा जागना। किशन की वीरतापूर्ण बातों ने मेरे मन में आशा जगा दी। तीसरा है भांप लेना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली व तुरंत डॉक्टर को बुलवा लिया। अगला है लंबी आह भरना। ज्योति को बीमार देखकर माताजी ने लंबी आह भरी। पांचवा है प्राण हथेली में रखना। गौरव ने प्रथा की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख दिया। दूसरा प्रश्न है आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है, देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। इसका उत्तर है प्रत्यय और शब्द। सबसे पहला है द, सुखद, दुखद। दूसरा है दाता, परमर्शदाता, सुखदाता। दाई, सुखदाई, दुखदाई। देह, विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो मुझे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।